मुगल आजम के शहजादा सलीम नहीं रहे, देश के बड़े नेताओं ने दुख जताया। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार नहीं रहे। सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाकारी से लोगों को रुला देने वाले दिलीप को दुनिया ट्रेजेडी किंग के नाम से जानती थी। 98 साल के दिलीप कुमार ने भारतीय सिनेमा में मेथड एक्टिंग की शुरुआत की। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के दौर में दिलीप कुमार और देवानंद हिंदी सिनेमा के दो सबसे बड़े अदाकारों में शुमार किए जाते थे। बदकिस्मती से दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महान अभिनेता दिलीप कुमार को अपनी श्रद्धांजलि पेश की है। दिलीप कुमार के इंतकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया है। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई लीजेंड के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें असामान्य प्रतिभा मिली थी जिसकी वजह से उन्होंने कई पीढ़ियों के दर्शकों को रोमांचित किया। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक नुकसान है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना। इसी के साथ मोदी जी ने दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो से फोन पर बात की और उन्हें ढारस बंधाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिलीप कुमार ने भारतीय सिनेमा के लिए जो काम किया उसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। इन दो बड़े नेताओं के अलावा राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियों ने मुगल-ए-आज़म अभिनेता के निधन पर शोक जताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही दिलीप कुमार जी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान से करने का आदेश जारी किया है। एनसीपी नेता शरद पवार ने लिखा कि दिलीप कुमार के रूप में हमने एक लीजेंड को खो दिया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिलीप कुमार से अपनी एक मुलाकात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, गंगा जमुना जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी ने करोड़ों दर्शकों का दिल छू लिया। मुझे उनके निधन से बेहद तकलीफ पहुंची है। मैं दिलीप कुमार जी से एक बार मिला था जब मैं उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने मुंबई गया था। उनके जैसे महान अभिनेता से बात करना मेरे लिए बेहद खास पल था। उनका निधन भारतीय सिनेमा की बहुत बड़ी क्षति है। बॉलीवुड के एक बड़े शौकीन अमानुल्ला निज़ामी साहब दिलीप साहब के इंतकाल पर बहुत ही रंजीदा हैं। अमानुल्ला निज़ामी अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और इस वक्त जिद्दा सऊदी अरबिया में रहते हैं। उन्होंने काफ़ी कोशिशों के बाद दिलीप साहब से 3-4 साल पहले उनके बांद्रा के घर में मुलाकात की थी। दिलीप साहब और सायरा बानो ने अपने इस मेहमान के लिए करीब 1.5 घंटे का वक्त निकाला था। दिलीप साहब की तबीयत जब भी थोड़ी ख़राब होती थी तो अमानुल्ला साहब बहुत बेचैन हो जाते थे और खैरियत के लिए फ़ोन ज़रूर करते थे। और आज दिलीप साहब के इंतकाल की खबर सुनकर वो बहुत गमजदा हो गए। दिलीप कुमार ने आज सुबह मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। 1944 में ज्वारभाटा से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले दिलीप कुमार बॉलीवुड में 5 दशक तक सक्रिय रहे। उन्होंने मुगल-ए-आज़म, देवदास, नया दौर, मधुमती के अलावा राम और श्याम जैसी कई हिट फिल्में दी। पर्दे पर सबको रुलाने वाला आज सबको अपनी असली जिंदगी में रुलाकर चला गया। प्रेस 9 न्यूज दिलीप कुमार यूसुफ खान को अपनी ताजियत पेश करता है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।